हेलो दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको दोस्तों बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र जिनको याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों हम इसके चार पार्ट लाएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे इन वाद्य यंत्रों के, और इनसे संबंधित जो वादक है जो इन्हें बजाते हैं, वो जो प्रसिद्ध हैं, जो कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछ लिए गए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र की शॉर्ट ट्रिक। भाई तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से यंत्र होते हैं उसके लिए, तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक राजस्थान के वाद्य यंत्र। इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, तत्सिकारा एक तंदूरा अपंग से। क्या होगी? तत्सिकारा एक तंदूरा अपंग से, इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों। ये तो तत् से याद रखना दोस्तों कि ये तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तार से चलने वाले यंत्रों को तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है, जिसमें तार होते हैं। तो ये तत् से तत् याद हो जाएगा। चिकारा से क्या क्या याद रखोगे? देखो चिकारा से, चिकारा ये भी एक वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र है। चौतारा ये भी तत्वाद्य यंत्र है। चिकारा के अंदर जो लास्ट में रा है उससे हो जाएगा रबाज। क्या हो जाएगा? रबाज, ठीक है। इक से याद रखना दोस्तों इकतारा। क्या है इक से? इकतारा। तंदूरा से दोस्तों, तंदूरा से याद रखना तंदूरा। तंदूरा खुद एक तत्वाद्य यंत्र है, जिसे हम वीणा, वेणों और निशान भी कहते हैं दोस्तों। एक ट्रिक और बताऊंगा इसकी, तंदूरा में जो रा है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? तंदूरा में जो ये रा है उसका हो जाएगा रबाब। रबाब, एक का तो रबाज हो गया, एक का रबाब हो गया। और जो दू है बीच में तंदूरा के अंदर, उस दू का क्या हो जाएगा? दुका को। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुका को या द्वारा, ये दोनों तत्वाद्य यंत्र है। अपंग में कौन कौन से हैं दोस्तों? अपंग में देखो नाम से ही अपंग है एक तो, और एक बमपंग है। तो अपंग से याद रख लेना, अपंग और बमपंग दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं। कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं अपंग, बमपंग, निशान, इकतारा और रबाब और रबाज, ये आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। और जहूर खां मेवाती की खासियत क्या है कि ये बमपंग के जादूगर, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बमपंग के जादूगर किसे कहते हैं, तो बमपंग का जादूगर है कौन? जहूर खां मेवाती, ठीक है दोस्तों। इसकी एक ट्रिक और है दोस्तों, ये भी याद कर लेना क्योंकि इसमें भी पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गुजरी रावण हत्या का सार सुन, यानी पूरा गुजरी रावण हत्या का सार सुर, सारा सुर या सार सुर, सारा सुर वीणा से किया। किससे किया? गुजरी रावण हत्या का सार, सारा सुर वीणा से किया। इसमें देखो क्या क्या है। गुजरी से याद रखना दोस्तों, ये गुजरी, ये भी किसका आभूषण है? तत्वाद्य यंत्र का। वीणा ये भी आपको पता है ये तो कि तत्वाद्य यंत्र का है। रावण हत्या, रावण हत्या कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रावण हत्या किस कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र, अनवद्य वाद्य यंत्र। तो ये दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों रावण हत्या। का से क्या याद रखोगे दोस्तों? का से याद रखना कामायचा। सार से क्या याद रखना दोस्तों? सारंगी, ठीक है। सुर से क्या याद रखोगे दोस्तों? सुर से सूरजमंडल या स्वरमंडल भी बोलते हैं इसको कई बार, सूरजमंडल। वीणा है, ये वीणा क्या है? वीणा भी, वीणा तो आपको ऐसे याद है कि ये तार वाला वाद्य यंत्र है। अब इनमें से कौन कौन से आपको याद हैं वो मैं देख बताता हूँ। याद कौन कौन से? जंतर है, मोहन वीणा है, वीणा है, गिटार है, सारंगी है, सितार है, ये सभी कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, यानी तार से बने होते हैं। तार होता है इनका मुख्य, वो जो तार होते हैं इसे तारों के बने होते हैं, तो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी।
तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। कल अपना सुशीर वाद्यंत्र और अनुवद वाद्यंत्र हो गया, और एक घनवाद्यंत्र, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम 1x1 वीडियो द्वारा आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।